सारे तो पहला मैं पहली दस दिना मैं सुबह हौली बोलूंगा क्योंकि हम गाँव गाँव बोलना भी पैदा गला गुला जहा बैठा हुआ मेरा। सो सब तो पहले मैं स्वागत करता मुख्यमंत्री साहब चन्नी साहब जी रंधावा साहब का साढ़े बड़े भरा राजा बलिंद जी का रैली पहली रैली है पहली बार बोलने लगे हाँ पहली बार मैं स्पीच निकल लेके लिया ना मैं उस तरीके बोलना मैं सिर्फ थोड़े दो दिन दिल दिन गलत करनी है चंगी लगी हाथ खड़े करके हाँ नारा दे दियो नहीं चंगी लगी सत श्रीकाल कुर्सी फिर आराम बेलू हो जाएगी देख लो ठीक है जी एक बार गल कर 6 दिसंबर मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी बड़े लोगों ने सवाल चके तेरा 15 वधिया काम चलता जी तेनू की लोड़ सी इतने आने की यार तेरे को चंगे पैसे सी घर पा लिया जमीन बना ली सी बेबे बापू तेरे खुश सी तेनू इस किते चाहन की लोड़ की सी उस बाद मैं 3-4 दिन लोगों के विचार सुने जिन्ना कि मैथों हो सकिया मैं उन्होंने रिव्यू पढ़े कि वह की कह रहे हैं कि वो उन्होंने विचार ने पर मैं सारा कुछ देख के जब मैं डिठा किया मैं एक कंकलूजन कढ़िया कंकलूजन की सी भी इस फील्ड में राजनीतिक फील्ड में असी लोगों ने इन्ना क बदनाम करता इन्ना कब्बे लाते दाग लाते कि जो कोई भी बंदा ये प्रोफेशन चाहने की कोशिश करता है लोगों के किंतु परंतु करते हैं परसों चौथे समीर बाला साहब आए साढ़े मानसा प्रचार का रैली कर मैं लगता भी 2017 तक या 18 तक उन्होंने मेरा कहीं नाम भी नहीं सुनया होना ना कैप्टन साहब मैंने जानते होने जितने मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की सब तो पहले कैप्टन साहब का बयान आया कहना जी तुम गैंगस्टर पार्टी के रहा लग गए इन्होंने आ कर देना इन्होंने वो कर देना उधर मैं उन्होंने क्वेश्चन पूछा मैं कैप्टन साहब हूं तक तो गैंगस्टर पार्टी च नहीं सी 2017 तो लैके 2021 तक रिश्ता बहुत सियाने से बहुत सूझवान से तुम मुछा पटे थे तुम क्या करता है कि नहीं गल तो बाद कल मान योग सुखबीर बादल साहब बोल के गए कहना जरा हाँ कलाकार है कहना हम कांग्रेसी कलाकारों को पार्टियां चला लग गए ये कांग्रेसी हम कलाकारों को प्रचार कराने ये कलाकार ने की करना कहना इनू सरकार बनाओ हरेक महीने मैं खड़ा लगाया करूं तो मैं पहला जी इंटरव्यू सुनी फिर मैं 10 मिनट गला बह के हसया मैं भड़ूआ जे खड़ा लगा तो मैं एक बार नंबर से फोन करता मैं हूं ही तू पैसे धर खाड़ा लाना किरत करनी साडा काम है दूजी गल उन्होंने कहा कहते कलाकार कितों लीडरी कर लेंगे मां के ढिडों कोई किता लेके नहीं जाता जी 2012 के जो मेरे वे भैन जी कह रहे थे राजा बलिंद मैंने दसदा हों पर कहना सिद्धू जो मैं सियासत शुरू की है ना कहना मैं आपकी कुर्सी घरों लेके आना हों एक इंस्पिरेशन है मेरा भाई है कुछ जो तेरे को इस फील्ड में मैं सीख रहा मेरी वजह करके है भारत साहब कहते कलाकार सियासत की काम मैं एक छोटी जी एग्जाम्पल याद करवानी चाहता हूं अज तो 10-12 साल पहला संसद के ना चन्नी साहब ने एक गल कही सी खड़े होके वो कहते कैप्टन सरकार ने की काम करवाए चन्नी साहब ने उन्होंने जवाब दिता सारी पार्टी ने उन्होंने सारे बंदे ने इवन मुख्यमंत्री साहब भारत साहब मैं साहब एक गल करता क्योंकि वे ने मैथों मैं शब्द नहीं बोलना चाहता किसी बारे उन्होंने की किया चन्नी साहब का मजाक उड़ाया फसे वो वीडियो बहुत वायरल हुई कि उदू 5 साल बाद की होया वो ही चन्नी साहब जिन्हों का मजाक उड़ाने से मुख्यमंत्री बन के टकरे उन्होंने ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है इतने के बंदा कदों थोनों की बन के टक्कर है ये किसी ने इतने गदौड़ा नहीं फेरिया होया भी कौन मुख्यमंत्री बनया
ਕਮਨਤੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹੋ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 10-15 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਰਹੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਕੋਲੇ 7 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੱਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਈਆਂ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਂਜਣਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂਜ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਟੱਕਰਾਂ ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਜਾ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖੜਾ ਤੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਯੰਗ ਵੀਰ ਭਰਾ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਓ ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤੀ ਫਾਤੀ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਊਂ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਊਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਗੜਾ ਕਰੋ ਖਾਣਾ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਫਰੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਚੋ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਮੱਝੇ ਵੀ ਗੁਣ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਭਜਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦੇਖਦਾ ਕਿਤੇ ਪਜੀਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਾਲਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸੌਦਾਗਰ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਚਿੱਟਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵੇ ਦਾ ਗੀਤ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਬਣ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ
इन्हों हाथ पिया है हूं पूरा तड़फड़ रहे हैं हूं कहते जी ये साढ़े कंटैक्टा करते ऐसी कार्रवाई नहीं की थी। इना दी अपनी सरकार बाद कार्रवाई शुरू हुई हाई कोर्ट के आदेश हुए हैं कि नशे के सदागरों न छपाओ ऐसी हाई कोर्ट के आदेशों से काम कर रहे कानून अपना लेकिन साढ़े तो पहला साढ़े आले भी इन्हों मिले हुए सी अजाद हूं मजीठी और परचा दर्ज होया कैप्टन का भी बयान आ गया कहना जी गलत होया क्योंकि चाचे अपनी जेमने हुए कट्ठे सी इसे करके तो असी इन्हों उतारिया कि तुसी सच नू सच नहीं कहते तुसी मिलके उत्तर कांडो मेरी बारी एक जना कुर्सी पर चढ़ जाता एक जना उतर जाता मिली मुक्त नाल खेलदे आ लेकिन पंजाब के लोगों नू कोई मौका नहीं रजवाड़ा शाही वो अमीर लोग जिन्हों का अंधा का पैसा है ये दस भी किले आले बहम ना रखो कोई दस भी किले आला किसान अमीर नहीं होता अमीर ये लोग है जिन्हों का हजारा एकड़ जमीन है बादलों को अमीर ये लोग है कैप्टन जिन्हों को जायदाद का पता ही नहीं इन्हों की जात बरादरी इन्हों का धर्म सिर्फ अमीरी है ये अमीरी के नाल एक दूजे के नाल खेलते है अपना इन्हों कोई फिक्र नहीं है कोई धर्म का फिक्र नहीं है बेअदमी का कुछ नहीं करिया पर बेअदमी इन्होंने कराइया मैं जब ऑपोजिशन का लीडर सी जब कहा कि बेअदमी की पैड बाद लाने कर जाती है पर हूं उधर पैड लभण आए तुरे हुए हैं वो भी हल करांगे मसला आ जेडे नशे के सौदागर है इन्हों का मसला हल करने वालों तुर पे है परचा दर्ज करता है मजीठिए से असलियत है कि इन्होंने पंजाब के विच नशे फैलाए है और वो ऐसी असलियत हूं लोगों ने सामने लेके आए सरकार योग वीरो ऐसी वो काम करते हैं और बीबी जी कह रहे थे कहते जी सानू सुरक्षित पंजाब चाहिए चन्नी जी सुरक्षित आप हो जाए जे सुरक्षित करने वाले भजा देने पंजाब चो दान लेके पाए हुए पिछे जिन्होंने पंजाब को सुरक्षित कर जिन्होंने पंजाब को लुटिया जिन्हों को नशे का खतरा जिन्हों को धर्म को खतरा जिन्हों को धियां भैनों को खतरा वो भजाने यार दान लेके उन्होंने पिछे भजे हुए मैं धन्यवादी अपने होम मिनिस्टर का जेडे कि दिन रात मेरे नाल लग के ऐसी रात जागी है ऐसी मेहनत कर रहे हैं लेकिन पंजाब के लोगों को ऐसी इंसाफ लेके देना है ना ऐसी सौंदे है ना अफसर सौन देना है ते ना ही इन्हों लोगों को सौन देना है जिन्होंने पंजाब को लुटिया कुटिया नशे फैलाए है बेअदबियां करी सरकारयोग वीरो ऐसी काम वो करते हैं जेडे ऐसी अपने पिंडे से हटाए हैं दुख जेडे आम गरीब लोग मिडिल क्लास के लोग किसान जेडे अपने पिंडे से तकलीफा हटा असी उन्हों का हल करते आ बिजली के एडे एडे बिल आए हुए सी साढ़े हर किसी के दो किलो वाट तक के जिन्हों के बिजली के मीटर है 52 लाख परिवार है 1500 करोड़ रुपया माफ किया सारे बिजली के बिल बड़े बड़े आते मैं 3 रुपये रेट घटाया एक यूनिट का अगे ये काम करने वाले है पानी दी टैंकियां और टैंकी लगी भी पिंड की शहर की इहदे पर जिहड़ी मोटर लगी हुई है पिंडां वाले तो पैसे नहीं सी दे जा रहे कि 10 लाख खड़ा है कि 50 लाख खड़ा है 1250 करोड़ रुपया पिंडां दी पानियां दी टैंकियां दा माफ करिया पुराना भी लीक मारती अगे नूं भी नहीं खोल देना पैना पानी दी टैंकियां दे पानी फ्री करते हैं बिजली दी मोटर जिहड़ी उहदे ते लगी हुई है
160 रुपए का बिल आता सी थोड़ा हूं सिर्फ 50 रुपए आए करना पुराने बिल थोड़े माफ करते हैं सारे पानी के पिंडा के लोगों ने शहर के लोगों ने पुराने बिजली पानी ने ते सीवरेज के बिल नहीं देने माफ करते कहते जी ऐलान लागू नहीं करता सिर्फ ऐलान करता है लेकिन थोड़े बिलों च लिख के आ गया पुराना बकाया नहीं देना पानी के बकाए नहीं देने सीवरेज के बकाए नहीं देने पेट्रोल 10 रुपये सस्ता करे सारे हिंदुस्तान नालों सस्ता करता बिजली सारे हिंदुस्तान नालों सस्ती करी है डीजल 5 रुपये सस्ता करे है तुसी पेट्रोल पंप पर जाओ ड्राम भराओ 1000 रुपया मौके पर बचता जिहड़े कहिंदे ऐलान लागू नहीं करता उत्थे जाके देखे जिहड़े कहिंदे ऐलान लागू नहीं करता तेल पाओ 50 लीटर 500 रुपया बचता पेट्रोल का रेता दरिया पर 5.5 रुपये बिक रहा है मैं क्या वीडियो पाओ जे कि 6 रुपये बिकता उन्होंने भी टंगा का तो थोड़ा 25,000 रुपया नाम दूंगा ये कारगुजारी है क्यों कर रहा मैं क्योंकि ये तकलीफा मैं अपने पिंडे से हटाई है मैनू पता है जब गरीब का कोठा चाहता है ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਰਾਤ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਤੇ ਕੌਲੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿਤੇ ਤੁੰਗੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿਤੇ ਗੜਵੀ ਰੱਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਕੱਖ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਦੰਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੇ ਦਾ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਜੀਠੇ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਿਆ ਬੜਿਆ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੌਦਾਗਰ ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਿਆ ਮਜੀਠੀਏ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ ਗਲਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਮਜੀਠੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜਦਾ ਪਰ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੂੰ ਨਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕਦੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਲੇ ਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣ ਮਿੱਟੀ ਪਿੱਛੋਂ ਖੇਲਿਆ ਕਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਐਸੀ ਯਾਰ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦੇ ਐਸੀ ਗਰੀਬੀ ਚ ਪੜੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਸੀ ਬਾਂਦਰ ਕੀਲੀ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੇ ਬਾਂਦਰ ਕੀਲੀ ਖੇਲਿਆ ਬਾਂਦਰ ਕੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨਿਆਣੇ ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਰਗਾ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਦ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੱਕ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਿਆਣੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਆਇਆ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤੌ ਦੇ ਰਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਿਆ ਤਕੜਾ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਿਆਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਣਗੇ
क्या तुसी नशे बेचने वाले सुधागर तो माफी मच के भज के हुण पंजाब जाण दे हकदार है। सो सत्कारयोग वीरो ड्रामेबाजियां नहीं चलनियां, असलियत पर आना पैना। सानू पता है गरीब आदा किसान जद मुंडा रात नूं पानी लाउण जांदा तां अजे खाण भी नहीं भरी हुंदी, गिली होई हुंदी कि पानी बिजली चले जांदी। मैनूं पता किस तरह दिक्कत आउंदी, मैनूं पता है गरीब मिडल क्लास का नौजवान किस तरह औखा होंदा बाहर निकल वास्ते गरीबी चो। सो ऐसी उन्हां लोकां दे हमदर्द है, मैं उन्हां दी सिफारिश है जिन्हां दी कोई सिफारिश नहीं, मैं उन्हां दी सिफारिश है जिहड़े दरख्त पर बैठ के मैनूं देखण आए हुए, जिन्हां नूं रैली दे विच जगह नहीं मिली ओह दरख्त पर बैठे है। सत्कारयोग वीरो मेरे अंदर दर्द है गरीबी का, मिडल क्लास के नौजवानों का। मैनू पता है किसान किस तरह मुसीबत चह रहे हैं। मैं एक परिवार चो पिछे रात शाम नू गया 8:30 बजे रोटी खान खा ली उन्होंने घर किसान 15 एकड़ जमीन है लेकिन कर्जे थले दबे हुए, पैसा नहीं है। 15 एकड़ वाले किसान का भी यह हाल है क्योंकि किसान नू उदी फसल का पूरा भा नहीं मिल रहा, क्योंकि किसानी अज लाहेवंद धंधा नहीं रहा होया, मजदूर का बुरा हाल है। ये चीजा नू इहदे चों कढ़ना है, समय ही बहुत थोड़ा मिले लेकिन इस समय दे विच पूरा सद उपयोग कर रहे हैं। रात नू दिन नू हर टाइम हाजिर है। पहला पुछदे सी यार मुख्यमंत्री जागदा कहदा कैप्टन बारे ये पुछदे सी, हुण किसे नू ऐ नहीं पता लगता भी ये सौंदा कर। पहला ये कहते सी कहते हुण ये सोचने यार इहदे इहदा क्या करिए, दंदा विच जीव लई बैठे है बादल के किस तरह फस के किहो जिहा बंदा आ गया। साडी बेअदबी भी कढ रहा है ते साडे नशे भी कढ दे। और आह आम आदमी पार्टी वाले यार थानू पंजाब च कोई बंदा ही नहीं मिलता, हर जगह लिखा हुआ ऐतकी बार केजरीवाल क्या कर भी पंजाबी है नहीं, उन्हें बाहर से आके कितना राज कर लूंगे, कोई सामना धरती है जो मर्जी आके दब लो। सत्कारयोग वीरो मैं गल्लां तां बहुत करनियां पर तुहानूं सताया ही बहुत है साडे बंदिआं ने, कितनी देर दे तुसीं बैठे हो, तुहाडे धन भाग है यार। अज धरती बैठे इक बंदा नहीं हिलिया थोड़ा। तो मैं ज्यादा गल्ला नहीं कर रहा, यह मेरा भरा है, मैं थोड़ी एक गल दसदा कि यह मेरे खाली कागज पर गुटखा लवा सकता, जिथे मर्जी लवा लो जो मर्जी कर सकता। ये लीडर एक दिन मेरी याद रखियो गल, एक दिन पंजाब का लीडर बनेगा हिंदुस्तान के बीच चम। इस तरह के लीडर मिलने बड़े औखे है। मैं एक गल कही सी मैं ट्रांसपोर्ट महकमा तेरे को है लेकिन आ बादलों दिया बड़े बड़े शीशे वाली थाने खड़िया मिलनिया चाहिए मां के पुत्र घर तक से जेड़े दोस्त तो निक ना आवे जेड़े दुश्मन थोड़ा सेंग नहीं तां थोड़ा कोई फायदा नहीं। यहाँ दोस्त निक है तुसी गिदड़ बाहे ले हो थानू ये प्यार है निक आता थानू प्यार आता लेकिन थोड़ा जा परे चले जाओ लंबी कन्नी इन्ना सेक मारता है तू उन्होंने बादलों इन्नी तकलीफ है कि जम किथे ते गया। आ गिदड़ वाहे जिहड़ा जित्तिया एमएलए राजा पड़ी डरदे हुण इहदे नाम तो डरदे लोग वो है जिन्होंने पंजाब का नुकसान करिया, जिन्होंने पंजाब नूं लुटिया, जिन्होंने पंजाब नूं कुटिया, जिन्होंने पंजाब दे नशे बकाए। जेड़े कले चुटकले सुना सकते हैं स्टेज सुना सकते हैं स्टेट नहीं चला सकते। सो मैं थोड़ा बड़ा धन्यवादी है, तुसी बहुत प्यार दिता है सत्कार दिता है। मैं कहना जी तुसी दादू वाले पिंड का हस्पताल अपग्रेड कराना चाहते जेड़ा मर्जी कराओ, दोदा पिंड का जेड़ा हस्पताल अपग्रेड करांगे 5 करोड़ रुपया तुहाडे हल्के नूं होर देंगे जा रहे हैं। एक गल मैं थोड़ा दसनी है कि किसानी का बड़ा ध्यान करिया केंद्र सरकार ने,
700 तो वध किसान मारिया गया है। ऐसी भावे किसान केंद्र सरकार ने वापस ले ले कानून, लेकिन उन्हें किसान की यादगार बनानी है। इस थोड़े कि एरिए 10 एकड़ असी किसानी संघर्ष की यादगार बना जा रहे पंजाब सरकार वालों। तो थोड़ा सारे का एक आसा बुगर में 3 किसान मर गए, उत्थे जिहड़ी सड़क है उन्होंने नाम से लिख रहे ते असीं उन्होंने 5-5 लाख रुपया भी भेजता है। तो जिन्हें किसान संघर्ष में शहीद होए है उन्होंने सारे उन्होंने परिवार को नौकरी 5-5 लाख रुपया, तो जिहड़ा खेत मजदूर भी कोई शहीद हो गया उन्होंने भी नौकरी के 5 लाख रुपया, तो जिहड़ा नरमे का नुकसान होया उदे 17,000 रुपया प्रति एकड़ ऐसी थोनू भेज रहे हैं जिहड़ा कि डीसी आ गया। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।